जोरदार तालियों से अभिनंदन करें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अब मैं मंच संचालन के लिए बहन शिखा से निवेदन करूंगा, आप आए और मंच का संचालन करें। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। सभा का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय मोदी जी का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे चूरू के लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवेंद्र भाई झाझड़िया और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री शुभकरण जी चौधरी से निवेदन है कि वे भाला भेंट कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां इस सभा में गूंजती रहनी चाहिए। अब मैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष चूरू का गौरव आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ से निवेदन करूंगी कि चंदन की विशेष कलाकृति एवं राम दरबार भेंट करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारी इस सभा का उत्साह प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रतीक बनना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया, हरलाल जी सहारण, संजीव जी बेनीवाल, अभिषेक जी माटोरिया, राजकुमार जी रिणवा और अभिनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगी श्री मुकेश जी दाधीच कि वे हल भेंट करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी मातृशक्ति से सुमित्रा जी पूनिया, संतोष जी मेघवाल, संतोष अहलावत जी और मनभरी जी देवी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फोटो भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारी मातृशक्ति के द्वारा सालासर बालाजी की तस्वीर देकर अब स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इसे महिला शक्ति के द्वारा। और अब मैं निवेदन करता हूं चूरू के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी और पैरा ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते देवेंद्र झाझड़ी से निवेदन करूंगा कि आइए और अपना संबोधन इसे विशाल जनसभा के अंदर प्रदान करें। भाई श्री देवेंद्र झाझड़िया जी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का साफा बंधवाकर स्वागत करेंगे। श्री बसंत शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री का साफा बंधवाकर स्वागत करें और बड़े ही विनम्र शब्दों में देवेंद्र झाझड़िया जी से निवेदन करता हूं आइए और विशाल जनसभा में अपना संबोधन प्रदान करें। चूरू के लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के प्रतीक के रूप में जोरदार ताली बजाकर देवेंद्र झाझड़िया का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र भाई झाझड़िया का उत्साह वर्धन करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई देवेंद्र जी झाझड़िया, आज थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलूंगा
क्योंकि आप लोग जिन्हें सुनने आए हैं उन्हीं को सुनेंगे आप। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे चूरू लोकसभा में सभी जनता की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। आदरणीय हमारे यशस्वी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, सम्मानित मंच, मैं तो मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय आपने जो मुझे अवसर दिया, ये आपने किसानों को अवसर दिया है, ये आपने दिव्यांगजन को अवसर दिया है। जो 7 करोड़ लोग देश में हैं वो आपका मान सम्मान करते हैं। पहली बार जनसभा में इतने दिव्यांगजन हैं, ये पूरी इधर साइड वाली रो पूरे आपका स्वागत करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं 2 साल पहले आपने स्वागत किया था, सत्कार किया था, मैं तो खिलाड़ी आदमी था, समझा नहीं बात को। आपने कहा था देवेंद्र आपको अहम जिम्मेवारी देंगे, मैं तो उस दिन समझा नहीं था, अब मेरा समझ में आया ये। मैं तो किसान परिवार से हूं, आज मैं यहां बैठा हूं, मेरी माँ वहां फसल काट रही है, ये मेरे लिए अच्छी बात है, किसानों के लिए अच्छी बात है। डोर टू डोर जाकर के मैं मिला हूं लोगों से, यहाँ की समस्याएं देखी हैं, क्योंकि मैं तो किसान फैमिली से हूं, युवाओं की बहुत उम्मीद है यहाँ पे। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज तक आपने कभी भी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है। मेरी एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, चूरू में हर घर पानी पहुंचे और हर खूड में पानी पहुंचे, ये मेरी मांग है, ये जनता की मांग है। यहाँ नहर आनी चाहिए, यहाँ किसान की जरूरत है। और मुझे तो ये भी पता है भाई कि किसानों के क्या क्या प्रॉब्लम है। तारा झोलो मार जा तो समस्या हुए, तारा फसल न पाड़ो मार जा तो समस्या हुए, तारी हर समस्या लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में जाऊंगा और तारी हर समस्या को समाधान करेगा, ये मने उम्मीद है। यहां रेल की बहुत ज्यादा जरूरत है, तारानगर सरदार से रतनगढ़ सुजानगढ़, मैं इतने लोगों की तरफ से बात रख रहा हूं कि यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। और ये लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, हर बात कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। ज्यादा समय न लेकर के मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी हर बात लोकसभा में उठाऊंगा। खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर है, वो बढ़ाए जाएंगे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और मेरे पे तो यहां आकर के मुझे पता चला, कि आपका घर घर में जो योजनाएं पहुंची हैं, लोग आपका बहुत आभार जता रहे हैं। और आप पुणे में कहना चाहता हूं, आप यहां चूरू की धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजस्थान के भगीरथ, हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से, कि वे आए
और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्रीमान भजन लाल जी भाई साहब, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, हम सबके लाडले माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सतीश पूनिया जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया जी, झुंझुनू के प्रत्याशी सुपकरण जी चौधरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, भाई हरलाल सारण जी विधायक चूरू, संजीव बेनीवाल जी विधायक भादरा, अभिषेक जी मटोरिया पूर्व विधायक, अवनेश जी महर्षि साहब, बसंत जी शर्मा साहब, संतोष जी मेघवाल, सुमित्रा जी पूनिया, राजकुमार जी रिड़वा, राजकरण जी चौधरी, राकेश जी जांगेड़, पराक्रम सिंह जी, महावीर जी पूनिया, अशोक पीचा जी, खेमराज मेघवाल जी, नरेंद्र खीचर जी, धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, और चूरू के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए ये चूरू के वो किसान भाई जिनका बेटा सीमा पर 50 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है और या 0 माइनस में काम करता है, और यहाँ का किसान जमीन का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है। ऐसे मेरे किसान भाइयों, गांव गांव ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मित्रों, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस चूरू की धरा पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका परिवार पूरा देश है, सभी लोग उनके परिवार के हैं। आपने देखा होगा मित्रों, जब दीपावली आती है तो हम आप घरों में दीपावली परिवार के साथ घरों में मनाते हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिक भाइयों के साथ सीमा पर जाकर के दिवाली मनाते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से दुनिया भर में यहाँ की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, बहरीन, भूटान और फिजी सहित कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने का काम अगर किसी को किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। आज आप शेखावाटी की धरती पर आए,
जहां हर एक घर से एक नौजवान सेना में जाता है, दूसरा जवान खाड़ी देशों में जाकर अपना नाम रोशन करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से भारत के पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ा है, विदेश में रहने वाले भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। जब वो हवाई अड्डे पर कहीं किसी देश पर उतरता है तो जिस सम्मान के साथ भारतीयों को देखा जाता है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे पासपोर्ट का वजन बढ़ाया है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। आपके कर कमलों से यूएई में बने पहले मंदिर का उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने विदेशों में रहने वाले भारतीयों में जो विश्वास पैदा किया है, उन्हें गर्व के साथ वो विश्वास भर देता है और दुनिया में वो अपने आप को समझते हैं कि हम हमारी भारत माँ के रहने वाले हैं, हमारा स्वाभिमान और सम्मान किस तरह से दुनिया के लोग करते हैं। ऑपरेशन कावेरी से सूडान में फंसे भारतीयों को निकाला गया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का ही प्रभाव था कि भारत का झंडा सुरक्षा की गारंटी बन गया और युद्ध क्षेत्र में हमारे नागरिक सुरक्षित भारत लाने का काम किया, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत ने G20 में जिस तरह का विराट आयोजन किया, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पूरी दुनिया से आए नेताओं ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता की दिल खोल के प्रशंसा की और उन्होंने कहा ऐसा नेतृत्व पूरे विश्व में पहली बार देखने को मिलता है। कि हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या बात कहेंगे, ये एक उत्सुकता उनके मन में रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हर एक शब्द हम देशवासियों के लिए ज्योति पुंज जैसा है, जिसके आलोक से हमारा देश उन्नति के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपकी सोच राजपथ के कर्तव्य पथ को बदल देने का काम करती है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जो आपने जो मार्ग प्रदर्शित किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक हुई है और भारत के प्रति जो कमजोर देश थे उनके मन में यह भाव पैदा हुआ है कि अगर हम हैं तो हमारे साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं, दुनिया का कोई देश दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके मन में पैदा हुई है। मित्रों, भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस पूरे देश को अमृतकाल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृतकाल न्यू इंडिया के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो देश के लिए एक नया सवेरा, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका यह विचार देश के लिए मॉडल बन गया, मैं ऐसा आज निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में आए हमारी सरकार को 3.5 महीना के लगभग हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस सीकर और झुंझुनू और चूरू को, और मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि 7 दशक की मांग हमारी यमुना पानी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। और यह समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमने बात रखी और किया है, मैं निश्चित रूप से ये हमारी चूरू की धरती, हमारे झुंझुनू की, हमारे सीकर की धरती, हमारी जमीन उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीने का पानी भी मिलेगा और खेत के लिए भी पानी मिलेगा, इसके लिए जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी, ये गारंटी, और आपने देखा होगा हमने जो SIT गठित करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान नकल माफिया बन गया था, उस माफिया को आज आपने देखा है, वो 65 से
85 की संख्या पहुंच गई है जिनको गिरफ्तार किया है और अभी आगे और होना है। आप देखते जाइए, जो गारंटी दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक गारंटी पूरी होगी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहां गैंगस्टर आते थे, आपको बताया जिस तरह से गैंगस्टर आते थे, गोली चला करके चले जाते थे, हमारे उद्योगपतियों को धमकाते थे, हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के गारंटी के तहत हमने निर्माण किया और आप देख रहे हैं अब राजस्थान से वो गैंगस्टर भाग रहे हैं। एक भी गैंगस्टर आपको नहीं दिख रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जो हमने हमारा संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र हमने हमारे 90 दिनों के अंदर हमने 40% और 45% तक पूरा करने का काम किया है। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं क्योंकि आपको पता है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और पूरा होने की गारंटी। मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, हमारा राजस्थान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और वो गारंटी की भी गारंटी देते हुए उस काम को पूरा करेंगे। मैं इतना ही आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि चूरू की पावन धरा से उठी ये गूंज प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह भरने का कार्य करेगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, अब की बार, अब की बार। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्हें सुनने के लिए हम सब उत्साहित हैं, प्रत्येक भारतीय को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने वाले लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री, राम राम सर। भारत माता की, भारत माता की शक्ति स्वरूपा जीण माता जी, सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी और वीर गोगाजी महाराज ने मारो बारंबार प्रणाम। राजस्थान पराक्रम और परिश्रम की धरती है, ये वीर माताओं की धरती है, ये वीर बेटों को जन्म देने वाली वीर वीरांगना माताओं की पवित्र भूमि है। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा, गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन आज देखिए परमात्मा की कृपा
मौसम जरा ठीक लग रहा है और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें, इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। साथियों बैठिए, देवेंद्र जी, आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। पिछले 10 साल में आपने देश को बदलते देखा है। आप याद करिए, 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। हमारे गांव अंधेरे में डूबे थे, वहां बिजली भी नहीं पहुंची थी और लाखों करोड़ की लूट से
सरकारी खजाना खाली ही रहता था। आप लोगों ने भी सोचा होगा लिया, जब हालत इतनी खराब थे, इतने दशकों तक बुराइयां थी, तो इसका मन पर भी असर होता है। और आप सब देशवासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता, अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता, हर कोई निराशा में डूबा हुआ था। इसी हताशा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मौका दिया। हताशा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती। और मैंने तय किया कि हालात बदलने ही होंगे, और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। हमने ईमानदारी से काम किया, कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, लेकिन इसी संकट में हम भारतीयों ने अपने देश को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं, और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम लाकर के दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए, जिनकी तीन तीन चार चार पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं बहनों बेटियों के नाम पर है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था, गरीब को पता भी नहीं चलता था उसके नाम का पैसा
सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे, लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी, अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये तो आपका उत्साह है इसलिए। देखिए, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है, यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। और साथियों, 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो रात दिन दौड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है। लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू मैं बता देता हूं। बता दूं, देखिए जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयों, बहुत सारे सपने हैं, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा।
ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी, ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और दो साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त, आज वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। तीन तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, दो तीन बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो तीन तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर तीन तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन तीन तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार तीन तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में
महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे। इसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था
कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, दो देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय गमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा, और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित
यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया। इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन लाइन्स के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी। लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। अब 19 अप्रैल को शोषितों, वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना? 19 अप्रैल को क्या करना है पता है ना? पता है ना? अपने यहां राजस्थान में कहते हैं, अकल मन ने इशारो ही गणो। साथियों, चूरू में भाई देवेंद्र जांजड़िया जी, झुंझुनू में शुभकरण चौधरी जी, सीकर में स्वामी सुबेदानंद सरस्वती जी, मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूं, चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा। और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया, ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा जी।
गर्मी कितनी क्यों न हो, मतदान पूरा होगा कि गर्मी के कारण मतदान कम होगा ऐसा नहीं होगा ना। घर घर जाएंगे, माताओं बहनों को मेरी बात बताएंगे, चुनाव जीतने के लिए मतदान करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है करेंगे, घर घर जाकर कहना कि हमारे मोदी जी चुरू आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मैं यहां भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं, सार्वजनिक रूप से कभी कभी करना पड़ता है। ऐसा है कि चुनाव का समय है, हर किसी के जिम्मे बहुत सारा काम है, लेकिन इनको मन में रहता है कि प्रधानमंत्री जी आए और हम नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा। मेरी आप कार्यकर्ताओं से विनती है कि आप बिल्कुल मेरी चिंता छोड़ दीजिए, सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ लोगों को दौड़ने की जरूरत नहीं है। कोई छोटा कार्यकर्ता भी रहेगा तो मोदी भी छोटा है, छोटे के बगल में बैठ जाएगा। आप कृपा करके सभी कार्यक्रमों के लिए मत दौड़िए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।